जो कि करता क्या है, ये दिख रहा है ना आपको पतला सा, यही इसके लॉक को क्या करता है, ओपन करता है ना, इसके लॉक को तोड़ता है। तो करना क्या आपको, इस पर कसने से पहले, ये इस पे जो कस रहे हैं, कसने से पहले इसको पूर्ण रूप से क्या करिए, ओपन करिए, ठीक ना, इस वाले को, इस नॉब को पूरा ओपन करेंगे ऐसे, और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे इस नट को, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इस पे इसको रखेंगे और ऐसे इसको हम टाइट करेंगे, ठीक ना, अच्छे से इसके ऊपर हम कसेंगे। यहाँ पर कसने के बाद इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से टाइट कर लेंगे, ठीक ना। अब इस वाले क्या करेंगे, कसेंगे, जब कसेंगे तो इसका जो लॉक होगा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। एक बात और याद रखनी, एक बार इसका लॉक टूट जाने के बाद इसको वापिस खोलना नहीं है, जब खोलेंगे तो क्या, जब पूरा पूरा इसमें गैस निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका एक बार यूज के लिए होता है, एक बार आपने इसको कस दिया तो वापिस इसको बस इससे आप खोल कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप निकाल सकते नहीं है, ठीक है। जब तक ये सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता तब तक आप इसे वापिस खोल सकते नहीं है, अगर खोल दें तो क्या हो जाएगा, इसका लॉक बेकार, जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर है, इस तरीके से इसका लॉक टूट कैसे हो जाएगा, जब आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से इसमें गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इसके लॉक को क्या कर देता है, इसके अंदर का जब इसको कसेंगे तो वो लॉक को तोड़ेगा। चलिए देखिए करके दिखाते हैं इसको, हम वापिस इस तरह कसेंगे आराम आराम से, क्या हो गया आपका, इसका लॉक टूट चुका है ना। अभी निकालूंगा तो क्या निकलेगा, इसमें से गैस निकलेगा ना, इसका लिक्विड निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर को ऐसे उल्टा और वापस खोलेंगे तो क्या निकलेगा, इसका लिक्विड देख लेते हैं, अब निकलेगा, देखना निकल रहा है ना, लिक्विड को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बट गैस को आप देख सकते नहीं है। तो जैसे ऐसे पलटते हैं, जो ऊपर की गैस होती है वो नीचे जाती है, नीचे की लिक्विड क्या आती है, ऊपर, दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं, जिससे अधिक मात्रा में निकलता है। अभी तो कम निकला, अभी ज्यादा निकलेगा, अब निकल रहा है ना, देखो। तो इस तरीके से आपका ये लिक्विड हमारे हाथ पे गिर रहा था, ये क्या है, इसका लिक्विड है ना, तो लिक्विड रूप निकलता है और ये बिल्कुल चिल्ड होता है, देख रहे हो ना, ये व्हाइट सा हो गया है, ये बिल्कुल चिल्ड होता है, अगर ऐसे हम गैस निकालते हैं चिल्ड नहीं रहेगा, देख रहे हो, पूरा कोल्ड कर दिया और यहाँ से वाश भी निकल रही है। इसी तरीके से कूलिंग कॉइल में एवोपोरेट होता है, जिससे कूलिंग कॉइल क्या होती है, ठंडा होता है, एवोपोरेट का मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है। अभी देखो ये खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे देखो बिल्कुल क्या है, ठंडा है ना, सूखे, देखो, तो एवोपोरेट जब होगा तो क्या होती है, इस तरह कूलिंग कॉइल की जो पाइपें भी होती है वो भी ठंडा होते हैं, जब उनके अंदर गैस जाता है तो ऐसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे कूलिंग कॉइल की पाइपें क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है, ठीक ना। तो इस तरीके से चलिए, आज का काम क्या है, गैस चार्जिंग कराना है, तो गैस चार्जिंग का प्रैक्टिकल अपलोड है, बस इसको लगाना हमें दिखाना था, ओके।